नमस्कार हम आधुनिक हिंदी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि राष्ट्रवादी काव्यधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी काव्यधारा की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं उनके संदर्भ में उनके जीवन उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं सुभद्रा जी की अनेक कविताएं आज भी हमारे युवा समाज को हमारे विद्यार्थी समाज को कंठस्थ हैं उनकी कविताओं का मंचन हुआ है गायन हुआ है सस्वर एकल और समूह में उन कविताओं को अभी भी प्रस्तुत किया जाता है सुभद्रा जी ने स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न था उसे अपनी कविताओं से सशक्त बनाया उसे साकार होने में बहुत मदद की ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान जो गद्य और पद्य दोनों पर पूर्ण अधिकार रखती हैं कविताएं मनोमस्तिष्क में गूंजती हैं उनकी कविताओं को जब वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी उसी प्रकार की साहित्यिक स्वर धारा को स्वर चेतना को हम उनकी कहानियों में उनके गद्य साहित्य लेखन में भी देखते हैं झांसी की रानी सुभद्रा जी की एक वह कविता है जिसने सुभद्रा जी को भी अमर कर दिया और झांसी की रानी जो वास्तव में इस देश की आज़ादी के लिए आत्मदान करती हैं उनको भी अमर किया वह कविता हमारे हिंदी जगत की बड़ी प्रिय कविता मानी जाती है बहुत सी कविताएं सुभद्रा जी की हैं जो जो उनको आ, हम सब पाठक समुदाय के बीच में साहित्य प्रेमियों के बीच में जीवित रखती हैं स्तुत्य बनाए रखती हैं झांसी की रानी उसी में से एक कविता है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी तो रानी झांसी को केंद्र में रखकर अट्ठारह का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है मंगल पांडे के नेतृत्व में उसमें जो भूमिका थी उस महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करते हुए रेखांकित करते हुए सुभद्रा जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने एक जीती जागती तस्वीर एक पूरा बिंब रानी झांसी का उतार दिया है कानपुर के नाना की बोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ये जो बुंदेलखंड की संस्कृति है वहाँ का जो परिवेश है वहाँ के जो संस्कार हैं और बुंदेले जो निवासी हैं उनमें आज भी महारानी लक्ष्मीबाई पूज्य हैं उनकी पूजा होती है उन्हें नतमस्तक होकर स्मरण किया जाता है वहाँ उनकी समाधि भी है और इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुभद्रा जी ने तो इस कविता में वस्तुतः उन्हें साक्षात एक एक अलौकिक वरदान के रूप में भारत के लिए ऐसा चित्रित किया है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार अब ये जो परिकल्पना है कि वो लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा की अवतार थी लेकिन वो साक्षात वीरता का अवतार थी निडर होकर घोड़े पर बैठकर अपनी भारी भरकम तलवार लेकर वो शत्रु सेना के ऊपर कैसे कूद पड़ी थी, किस तरह उनका संघार किया था ये अद्भुत परिकल्पना उनकी उभर कर आती है तो कविता कैसे साक्षात चित्रांकन करती है ये जो चित्रात्मकता का गुण है यह जो बिंब विधान है ये बड़े कवि की पहचान है सुभद्रा जी ने इस तरह इस कविता के माध्यम से अपने उस कवि रूप से हमें परिचित कराया जो वास्तव में स्तुत्य है तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़ वो तो कैसे कैसे खेल वो करती थी क्या साहस की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर वो हमारे बीच में अवतरित हुई थी ईश्वर का एक विलक्षण वरदान बनकर भारतीय समाज के समक्ष वो आई थी महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदे ले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी इस तरह हम देखते हैं कि सुभद्रा जी का जो काव्य संसार है वो बहुत विराट है बहुत व्यापक है उनकी कविताएं उनकी रचनाएं जो काव्य रचनाएं हैं वो वस्तुतः कविता के मर्म को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं अनोखा दाना आराधना इसका रोना उपेक्षा उल्लास कलह कारण कोयल खिलौने वाला खिलौने वाला बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी चर्चित कविता उनकी मानी जाती है पानी और धूप पूछो प्रतीक्षा प्रथम दर्शन प्रभु तुम मेरे मन की जानो इसी तरह वेदना व्याकुल चाह और समर्पण साध प्रियतम से जलियाँ वाला बाग में बसंत फूल के प्रति विदाई ये सारी वो कविताएं हैं जो अलग अलग संग्रहों में मौजूद हैं सुभद्रा जी वस्तुतः बहुत अच्छी गायिका भी थी कविताओं को जब वो प्रस्तुत करती थीं गे रूप में तो बहुत अच्छे कंठ के साथ प्रस्तुत करती थी और महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति उनके जो उद्गार हैं वो वास्तव में बहुत ही स्तुत्य हैं प्रशंसनीय है चलते समय इसी तरह जीवन फूल झांसी की रानी की समाधि पर झांसी की रानी झिलमिल तारे ठुकरा दो या प्यार करो ये भी बहुत अच्छी कविता उनकी बहुत चर्चित कविता उनकी है और कई स्तरों पर पाठ्यक्रमों में निर्धारित भी है उसे पढ़ाया भी जाता है नीम कविता परिचय तुम भ्रम मधुमेह प्याली मुरझाया फूल मेरा गीत मेरा जीवन मेरे पथिक यह कदम माँ कदम का पेड़ अगर वो होता जमना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे ये जो एक एक कविता की जो लय है आं, आंतरिक अनविति है वो अद्भुत है और सुभद्रा जी उसमें माहिर हैं विजयी मयूर विदा वीरों का कैसा हो बसंत वीरों का कैसा हो बसंत भी एक बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कविता है उन्होंने उस कविता के माध्यम से वीर जो समुदाय है वीरों का वीर जाति जो है उसे बताया कि हमारा बसंत कैसा होना चाहिए हम देश की आज़ादी के लिए देश की रक्षा के लिए अपने को अर्पित करने समर्पित करने का भाव लें और ये जो बसंत पंचमी है ये फाग और उत्सव के बोध से तभी शोभा देगी जब हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने को पहले प्रस्तुत करेंगे तो उस तरह के भाव उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे समक्ष रखे हैं सुभद्रा जी का जो कथा साहित्य है वह भी बहुत विराट और विशाल है बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखीं चर्चित कहानियाँ हमें मिली राही तांगेवाला गुलाब सिंह भगनावशेष आहूत चढ़ा दिमाग जम जंबक की डिबिया दुनिया दृष्टिकोण इसी प्रकार अमराई पापी पेट हींग वाला सुभागी तीन बच्चे गौरी मजली रानी और किस्मत मंगला नारी हृदय अभियुक्ता होली एकादशी देवदासी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनका नाम लिया जा सकता है जिसमें उन्होंने समकालीन युगबोध को चित्रित किया मानवीय भावनाओं का बड़ा सुंदर सजीव चित्रण किया सामाजिक विद्रूपताओं को शामिल करते हुए उन पर व्यंग्य किया ऐसी तमाम तरह की उनकी कहानियाँ मछुए की बेटी दो साथी दो सखियाँ एक्सीडेंट प्रोफेसर मित्रा परिवर्तन ग्रामीण सोने की कंठी अंगूठी की खोज आदि ये सब इस बात की के प्रमाण है कि उन्होंने आ, अपने साहित्यकार मन को सदा सर्वदा साहित्य सृजन के लिए प्रस्तुत रखा और जहाँ उन्हें एक बहुत प्रभावित करने वाला घटनाक्रम मिला कोई पात्र मिला उसको उन्होंने कविता या कहानियों में चित्रित कर दिया राष्ट्रीय आंदोलनों पर आधारित कहानियाँ भी उनकी पहचान को और मुखर और प्रबल करती हैं उन्होंने अमराही कहानी लिखी तांगे वाला हीरा वाला गुलाब सिंह राही पापी पेट सुभागी और तीन बच्चे ये वो कहानियाँ हैं जिनमें राष्ट्र सर्वोपरि है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है राष्ट्रीय चेतना सर्वोपरि है और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का बीज वपन उनके लिए सर्वोपरि रहा है इसलिए उन्होंने इन तमाम ऐसी कहानियों में देश और देश की गरिमा को अतीत के गौरव को देश की मर्यादा को राष्ट्रीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने पुनर्व्याख्यात करने का कार्य भी किया है और बहुत से ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी जो सपाट हैं लेकिन एक एक बड़ा प्रेरक संदेश लेकर हमारे समक्ष आती हैं सीधे साधे चित्र इस कहानी में लेखिका लिखती हैं एक एक कथन है उनका एक ओर तो यह कैदी है दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढंडोरा पीटते हैं जेल जाते हैं हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है यह हमारी पांचवी जेल यात्रा है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं तो ये जो बहुत ही बढ़ चढ़ कर आत्म प्रशंसा करने की वृत्ति थी उसको भी उन्होंने एक तरह से प्रताड़ित किया और यह बताया कि देश के लिए करना ज़रूरी है गाना नहीं देश की बात करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना देश के लिए सोचना कुछ करना महत्वपूर्ण है इसलिए विभाजन का दंश उनकी कहानियों में उभर कर आता है राही कहानी में सुभद्रा जी स्पष्ट लिखती हैं कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के हाथों में शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए खद्दर पहनने लगे ये जो आ, व्यंग्यात्मक चेतना है उन्होंने देखा इस प्रकार से राजनीतिक आ, जो रुख है हवा का वो बदलता है और राजनीतिक रुख बदलने पर कैसे लोग अपने आचरण और व्यवहार को भी बदल लेते हैं अपने वस्त्र और आभूषण भी बदल लेते हैं कैसे लोग निहित स्वार्थों के कारण दल बदल करते हैं पार्टी आदि से इधर से उधर जाते हुए दिखाई देते हैं आज भी इस बात को हम उसी रूप में प्रासंगिक देखते हैं क्योंकि कल कोई किसी एक पार्टी में होता है और आज वो दूसरी पार्टी में दिखाई देता है तो उन्होंने एक प्रकार से जो विभाजन है जो यत्र तत्र आवागमन है उनको ध्यान में रखकर भी बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हमें दी हैं सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक विद्रूपताओं को केंद्र में रखकर सुभद्रा जी युग दृष्टा उन्हें जब अवसर मिलता था तो वो उपेक्षित पात्रों से मिलती थीं, उनसे बात करती थीं समाज की स्थिति का वो गहन गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन भी करती थीं इसलिए ब्याह गौरी वेश्या की लड़की ग्रामीण सोने की कंठी कदम्ब के फूल पवित्र ईर्ष्या बड़े घर की बात परिवर्तन आदि अनेक कहानियां हैं जिनमें भारतीय समाज का चित्रण हुआ है जिनमें भारतीय सामाजिक के मूल्यों का चित्रण हुआ है परिस्थितियों के परिवर्तन की बात भी की गई है और यही नहीं इन कहानियों में केवल वो समस्याओं को उघाड़ कर नहीं रख देते उन समस्याओं के सीधे या प्रकारांतर से वो समाधान भी देती हैं यही साहित्यकार का धर्म भी होता है साहित्यकार यथार्थ के नाम पर केवल यथार्थ को उघाड़ कर नग्न करके रख दे ऐसा पर्याप्त नहीं है ऐसा पूर्णतः अपेक्षित नहीं है चाहिए यह है कि यदि हम समाज में कोई विद्रूपता देख रहे हैं कोई कमी देख रहे हैं तो हम उस कमी और विद्रूपता का विरोध करते हुए उसका समाधान भी हम दें तभी हम एक सच्चे साहित्यकार के रूप में अपनी जगह बना सकते हैं तो सुभद्रा जी ने वही किया कि वेश्या की लड़की ग्रामीण सोने की कंठी कदम्ब के फूल पवित्र ईर्षा बड़े घर की बात परिवर्तन आदि बहुत सी कहानियां इस प्रकार की उन्होंने लिखी थी सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का लेखन भी वो निरंतर करती रहीं सुभद्रा जी ए, संस्कृति प्रेमी थीं उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति को अत्यधिक महत्व दिया रेखांकित किया और अपने जीवन में भी उन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए जीवन यापन किया उनकी इस तरह की इस चेतना की कहानियों में अमराई कहानी है अमराई कहानी में वो रक्षाबंधन के त्यौहार का उल्लेख करती हुई लिखती हैं उस दिन राखी थी बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधी बांधा करती हैं यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्यौहार मनाया करते हैं ये जो संयुक्त परिवार का जो बोध है सब भाई बहन माता पिता दादा दादी नाना नानी आदि बच्चे सब एकत्रित होते हैं एक स्थान पर और आ, कैसे वो रक्षाबंधन के माध्यम से एक जो पारिवारिक बंधन है उसे और मज़बूत और सशक्त बनाते हैं उसको भी उन्होंने कहानियों के माध्यम से चित्रित किया क्योंकि वो भारतीय संस्कृति की एक प्रकार से पुनराख्याता भी थी उन्होंने उनके बार बार अलग अलग तरीके से आख्यान किए व्याख्या की कि, उनसे प्रेरित कर होने की चर्चा भी बार बार वो करती रहीं भाई के हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती भाई इस राखी की लाज रखना लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना ये इस तरह भारतीय बहनें अपने भाइयों के प्रति अपनी प्रेम श्रद्धा को प्रदर्शित करती थीं और राष्ट्र भक्ति का बीज वपन भाइयों के चित्त में करती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई जो हैं वो शूरवीर हैं वो योद्धा हैं वो ओजस्वी हैं और वो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को प्रस्तुत हैं इसलिए उन्हें वो सावधान भी करती हैं और प्रेरित भी करती हैं लड़ाई के मैदान में कभी पीठ मत दिखाना और राखी की लाज रखना ये एक तरह से भाइयों के मनोमस्तिष्क में ऊर्जा का संचार करने वाला कथन है जो भाइयों का भाइयों के प्रति बहनों का एक प्रकार से उपदेश भी बन जाता है मानवीय संवेदना से लैस कहानियां भी सुभद्रा जी ने बहुत लिखी हैं दुराचारी कहानी का पात्र जीवन ये ये उल्लेख करता है एक एक जो पंक्तियां जीवन के माध्यम से सुभद्रा जी कहलवाती है। हैं वस्तुतः हम जानते हैं कि कोई भी पात्र यदि किसी भी कथन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है तो मूलतः वह रचनाकार का ही कथन होता है लेकिन उसका पात्र वो किसी न किसी कहानी और उपन्यास और नाटक आदि या कविता आदि के पात्र को बना देती हैं तो एक जगह दुराचारी कहानी में सुभद्रा जी कहती हैं पंडित जी रामायण भागवत और पूजा पाठ से फ़ायदा ही क्या अगर हम आदमी को आदमी ना समझ सकें मैं तो रामायण भागवत और पूजा पाठ करता नहीं पर आदमी को आदमी समझता हूँ भगवान मंदिरों में नहीं है हम आप और गरीबों के भीतर है ये जो एक एक कालजही संदेश सुभद्रा जी देती हैं अपने कहानी के पात्रों के माध्यम से ये वास्तव में एक साहित्यकार का धर्म क्या होता है साहित्य की चेतना क्या होती है उसकी ओर भी हमें संकेत करती हैं देवदासी कहानी का पात्र सुरेश तो यह भी कहता है मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्यता का बर्ताव करना चाहता हूँ तो मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि वह मनुष्य होकर जिए हम मनुष्य बनकर मानवता को आत्मसात करके भी अगर जीते रहें उसी के पक्षधर बने रहें और मनुष्यता और मानवता की रक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करते रहें तो ये एक बड़ी मानवता की और मनुष्यता की उपलब्धि है उसी की ओर ध्यान आकृष्ट सुभद्रा जी करती हैं उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण झांसी की रानी कविता है जिसकी चर्चा अभी हमने की 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह पहली भारतीय महिला भी थी दो बार जेल भी गई ये सुभद्रा जी के जीवट को उनकी जिजीविशा को उनकी राष्ट्रभक्ति की चेतना को भी हमारे समक्ष उजागर करता है वो जेल जाने से डरी नहीं गांधी जी के तमाम आंदोलनों में उनकी भागीदारी रही विशेष रूप से असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन जिसने अंग्रेजों को हम पर जो काबिज थे उनको सोचने के लिए बाध्य किया देश छोड़ने के लिए बाध्य किया तो सुभद्रा जी उस आंदोलन में भी शामिल हुई सुभद्रा जी की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने आ, मिला तेज से तेज नामक पुस्तक के रूप में शीर्षक से लिखी है मिला तेज से तेज तो ये जो सुभद्रा जी की पुत्री हैं उन्होंने आ, उनकी जीवनी को उ, उनके आद्योपांत जो आ, यात्राएं थीं जो संघर्ष थे जो देशभक्ति की भावना थी उसको बहुत तटस्थता से बहुत ईमानदारी से उस पुस्तक में लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान एक कुशल रचनाकार के साथ साथ एक सुदृढ़ सेनानी भी थी ऐसा लगता था जैसे तलवार और कलम दोनों की वो धनी थी 1913 में नौ वर्ष की अवस्था में सुभद्रा जी की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में छपी थी यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी और यह कविता नीम के पेड़ पर आधारित है जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं तो बिखरे मोती सुभद्रा का पहला कहानी संग्रह है भाषा उनकी कविता कहानियों की साहित्य की बहुत सरल रही है उन्होंने हर प्रकार के पाठक को ध्यान में रखकर साहित्य सृजन किया है वो सायास बहुत क्लिष्ट भाषा की पक्षधर नहीं थी लेकिन उन्होंने भाषा की गरिमा के साथ भी कोई समझौता नहीं किया इसलिए सरलता सहजता बोधगम्यता का ध्यान रखा लेकिन विद्रूप या विकृत नहीं होने दिया वो भाषा की अपनी एक गरिमा है इसकी पक्षधर थी इसलिए सहजता रूप उनकी उनकी साहित्यिक रचनाओं में भाषा का सहजतम रूप मिलता है सुभद्रा जी भगनावशेष होली मंजली रानी परिवर्तन दृष्टिकोण कदम के फूल किस्मत मछुए की बेटी एकादशी आहूत, था अमराई अनुरोध ग्रामीण आदि ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें हम उनकी सहज सरल बोधगम्य भाषा का आनंद ले सकते हैं कविता पढ़ते हैं कहानी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत जल्दी समाप्त हो गई यानी एक उत्कट इच्छा उसे आद्योपांत पढ़कर समाप्त करने की बनी रहती है ये एक बड़े रचनाकार की निशानी भी है उन्मादिनी शीर्षक से सुभद्रा जी का एक कथा संग्रह दूसरा कथा संग्रह उन्नीस में आया प्रकाशित हुआ इसमें उन्मादिनी असमंजस अभियुक्त सोने की कंठी नारी हृदय पवित्र ईर्ष्या अंगूठी की खोज चढ़ा हुआ दिमाग वेश्या की लड़की ऐसी बहुत सारी लगभग नौ दस कहानियां उसमें संग्रहित हैं सीधे साधे चित्र सुभद्रा जी का तीसरा और अंतिम कथा संग्रह है उसमें चौदह कहानियाँ मिलती हैं रूपा कैलाशी नाती बिहाला कल्याणी दो साथी प्रोफेसर मित्रा दुराचारी मंगला आदि ऐसी कहानियों की कथा वस्तु जिसमें स्त्री समस्या नारी समस्या पारिवारिक समस्या सामाजिक समस्या इन सबको सुभद्रा जी बहुत प्रमाण और विश्वास के साथ उजागर करती हैं उन्हें देश के इन दोषों त्रुटियों से जो पीड़ा होती थी जो वेदना होती थी उसे वो लिख कर समाज के सामने प्रस्तुत करती थीं और वो चाहती थीं कि ये तमाम तरह की जो रुकावटें हैं जो बाधाएं हैं जो अवरोध हैं ये दूर हों इनसे देश मुक्त हो कुल छियालीस कहानियाँ सुभद्रा जी ने लिखीं और सभी कहानियों ने लेखक समुदाय को तथा पाठक समुदाय को प्रभावित किया भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2008 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रप्रेम की भावना को सम्मानित करते हुए उन्हें तटरक्षक जहाज के रूप में नियुक्त किया और उन्हें एक नया नाम इस तरह से मिल गया वह 6 अगस्त 1976 को भारतीय डाकतार विभाग के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी उनके प्रति जारी किया गया भारत सरकार ने एक टिकट सुभद्रा जी के नाम से चित्र के साथ प्रकाशित किया सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला काव्य संग्रह मुकुल था जो 1930 में प्रकाशित हुआ था और मुकुल तथा बिखरे मोती सेक्सेरिया पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत 15 फरवरी 1948 को महज चवालीस वर्षीय अवस्था में ही एक कार दुर्घटना के कारण हुआ था इस प्रकार हम जब साहित्य की प्रासंगिकता की बात करते हैं जब हम आ, कथा कहानी कविता आदि की आंतरिक अनविति को और भाव मूल भावना की एक रूपता को ध्यान में रखकर चर्चा करते हैं तो हमें सुभद्रा जी का समस्त साहित्य आज भी प्रासंगिक दिखाई देता है सुभद्रा कुमारी चौहान में हमें एक ममता मई माँ विद्यमान दिखाई देती है कुशल वीरांगना और एक लोकप्रिय जनप्रिय साहित्यकारा के बखूबी दर्शन भी हो जाते हैं इनकी जनप्रियता उनकी वह जो झांसी वाली रानी जो कविता है उससे बहुत अधिक हुई बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी इस तरह हम देख सकते हैं कि सुभद्रा जी आ, हिंदी जगत में ही नहीं पूरे भारतीय वांग्मय में बाल साहित्य की दृष्टि से या राष्ट्रभक्ति और समाज चेतना की दृष्टि से वो एक बहुत ही सशक्त कवित्री के रूप में रचनाकारा के रूप में कथाकारा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं उनका पहनावा उनका आचरण व्यवहार उनकी जीवन शैली हमें इस बात की ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वो स्वयं भी सच्ची गांधीवादी थी उन्होंने गांधी दर्शन को गांधीयन थॉट्स जिसको हम कहते हैं उस भावना को आत्मसात किया था और उन सब की मूल चेतना को वो कविता और गद्य में उतारती चलती हैं इस तरह एक बड़ी कवित्री एक बड़ी रचनाकारा क्योंकि हिंदी में जो महिला लेखिकाएं हैं उनमें सुभद्रा जी ने अपनी एक पहचान बनाई है और बहुत बड़ी हस्ताक्षर महादेवी वर्मा जो छायावाद के चार प्रमुख आधार स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ वो भी हैं उनसे सुभद्रा जी का जो रिश्ता था जो नाता था वो काफ़ी हद तक पारिवारिक सा था वो एक दूसरे की बहुत घनिष्ठ सखा और सखियाँ भी थीं इस तरह हम सुभद्रा जी के साहित्य के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने देश को राष्ट्र को इस इस तमाम तरह के काव्य संवेदना से अवगत और परिचित कराया नमस्कार धन्यवाद